और इस वक्त की बड़ी खबर, कन्नौज में दो जगह आयकर विभाग के छापे पड़े हैं। पुष्पराज जैन के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। इस वक्त समाजवादी पार्टी के एमएलसी है पंपी। इस वक्त की बड़ी खबर, इत्र कारोबारी है पुष्पराज जैन पंपी और फिलहाल इनके घर पर छापेमारी। और इसके अलावा कन्नौज, नोएडा, कानपुर समेत 50 जगहों पे छापेमारी चल रही है। आईटी की तीन टीमों की 50 जगह पे छापेमारी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पीयूष जैन के बाद अब पुष्पराज के घर पे छापे। पंपी ने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। इस वक्त की बड़ी खबर, कन्नौज में मलिक मियां नाम के एक शख्स के घर पे भी छापेमारी जारी है। मलिक परफ्यूम के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। तस्वीरें आपके सामने है। कन्नौज में दो जगह आयकर विभाग के छापे पड़े हैं। इसके अलावा 50 ऐसे जगह जहां पे लगातार छापेमारी जारी है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी के घर पे छापेमारी चल रही है। कई और ठिकानों पे भी छापेमारी। और इसके अलावा भी एक और शख्स कन्नौज में ही जहां पे छापेमारी, अमित सिंह इस वक्त हमारे से योगी हमारे साथ जुड़े। अमित, तब 50 जगहों पे छापेमारी की खबर आने लगी, अपडेटेड खबर बताइए। देखिए, कन्नौज में तो दो जगह पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। इसके अलावा नोएडा और उनका जो तमाम दफ्तर है वहां पर छापेमारी चल रही है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी जैन के यहाँ छापेमारी चल रही है। इसके अलावा मियां खलीफा के यहाँ भी छापेमारी चल रही है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अभी तक पल्ले झाड़ते आई है और कहते हैं कि पीयूष जैन और प्रवीण जैन का कोई संबंध नहीं है, उनके पार्टी का कोई संबंध नहीं है, तो और जिस तरीके से लगातार हमलावर थी बीजेपी और कह रही थी कि पीयूष जैन के संपर्क पंपी जैन से है और पंपी जैन वही शख्स है जिन्होंने समाजवादी इस लॉन्च किया था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लॉन्च किया था। तो अब पंपी जैन के यहाँ छापेमारी चल रही है और फिलहाल जो पंपी जैन का मोबाइल नंबर है, पर्सनल मोबाइल नंबर, वो स्विच ऑफ आ रहा है। तो जाहिर तौर पर पंपी जैन जो है इस वक्त अपने घर के अंदर है जहाँ पर इस वक्त छापेमारी चल रही है और पूछताछ भी जाहिर तौर पर हो रही होगी। और 12:30 बजे आज अखिलेश यादव पंपी जैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, करने वाले थे। जाहिर तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ये यही बता रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करने वाले थे क्योंकि जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर और बीजेपी हमलावर थी, खासतौर से हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अमित, चूंकि आप पीसी का जिक्र कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे हैं, तो ये समाजवादी पार्टी को बखूबी मालूम था कि अब ये जांच का जो दायरा है वो बढ़ेगा तो कहां तक पहुंचेगा, उन्हें पहले से मालूम था। और ये कोई कार्यकर्ता नहीं है बल्कि पार्टी के एमएलसी है जिनके घर पे छापेमारी चल रही है, जिनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। तो ये बताइए कि अब परेशानियां किस हद तक बढ़ने वाली है समाजवादी पार्टी की। जाहिर तौर पे समाजवादी पार्टी के लिए परेशानी बढ़ने वाली है क्योंकि जिस तरीके से पीयूष जैन के घर पे 170 करोड़ से ज्यादा की धनराशि मिली थी, कैश मिली थी, और उसके बाद पीयूष जैन से पंपी जैन का एक रिश्ता साबित किया जा रहा था। लगातार बीजेपी हमलावर थी इसको लेकर और बार बार समाजवादी पार्टी सफाई दे रही थी कि पंपी जैन से